हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं पहुँच चुकी हूँ कोटद्वार, क्योंकि कल से मेरे स्कूल शुरू है। गर्मियों की छुट्टियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, अब एक भी नहीं बची है, बस आज लास्ट डे है और कल स्कूल जाना है। सो आज मैंने इतना काम किया, क्योंकि एक महीने के बाद मैं वापस इस वाले रूम में आई हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा रूम ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और बहुत ज़्यादा धूल थी रूम में, तो सारी धूल मैंने साफ़ करी। और सोचा भी कि व्लॉग कर लूँ, बट मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि मतलब मेरी शक्ल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। रूम की तो ख़राब हो ही रही थी, दिखाना चाहिए था आपको, बट मेरी शक्ल भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारा काम कर लेती हूँ जल्दी से। अगर व्लॉग करूँगी तो वो काम 5 घंटे में होगा, अगर व्लॉग नहीं करूँगी तो 4 घंटे में हो जाएगा। ये भी एक रीज़न था गाइज, तो इसलिए मैंने रूम पूरा साफ़ कर दिया। बस एक लास्ट चीज़ बची है कि ये जो बेड है, बेड के ऊपर मैंने बेडशीट डालनी है और बेडशीट मैं नई वाली डालूंगी। अभी भी एक काम बचा हुआ है कि मेरे को ना सारे कपड़े अलमीरा में लगाने हैं जितने भी मैं लेकर आई हूँ, बट अभी स्पेस बनाना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी तब वो रखे जाएंगे। बट आज के लिए इतना बहुत था, आज मैंने इतना सारा काम कर दिया। मे भी हो सकता है थोड़ी देर में हिम्मत आए तो मैं वो वाला काम भी कर दूँगी। और मैंने ना एक छोटी सी क्लिप बनाई थी जब मैं रूम में आई थी ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा रूम हो रखा था, जब धूल धूल थी रूम में, तो वो क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ। बैग के अंदर बेडशीट है, इतना भर के आया है ये बैग। इसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी बेडशीट है, बट मैं ये वाली बिछाने वाली हूँ, दिस वन। ये भी बहुत सुंदर है, तो ये वाली बेडशीट बिछानी है रूम में। इस जो ये बेडशीट है ना, ये यहाँ से तो ठीक आ रही है, बट इधर की साइड से देखो, अयो इधर की साइड से ऐसे हो रखी है। मतलब जो मेरा मैट्रेस है वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है और ये छोटी हो रह गई उसके अकॉर्डिंग। देखो इतना ज़्यादा मतलब दिख रहा है इसमें से। तो मम्मी को कॉल करूँगी और मम्मी से ही कंफर्म करना पड़ेगा कि अब क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर बेडशीट वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है, मैंने इसको फिर प्रॉपर बिछाया भी नहीं क्योंकि इतना तो इसमें से स्पेस, मतलब यहाँ से ठीक है बट यहाँ से देखना कितनी गंदी लग रही है। ऐसे तो इतना दिखेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिलहाल गाइस एक ये कुरियर है जो कि मेरे को एक प्रमोशन वीडियो मिली है, इसमें एक स्किन ऑयल होगा, ये भी आप ही के सामने मैं अनबॉक्स करूँगी इसको और फिर इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। सो अभी मैं आपको किचन में लेकर चलती हूँ। किचन में देखना मैंने कितना काम किया है आज। चलिए चलिए चलिए, ये देखिए गाइस पूरा मैंने साफ़ किया, जितने भी ये बर्तन थे इनको सबको मांजा अच्छे से, ये बाल्टी साफ़ करी और ये पूरा फ्रिज साफ़ किया। और ये देखो हमारा फ्रिज अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैंने ठंडा होने के लिए इसको रख दिया और बाकी ये जो जितना भी सामान है ना मैं वापस से इसी में ही लगा रही हूँ। All I know, what I need, and that ain't changing. अभी देखिए फ्रिज बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इधर भी देखो एक दो चीजें हैं जो कि अभी मैंने बाहर रखी हुई हैं, फिर फ्रिज को कुछ सामान लेकर आऊंगी, फ्रिज में भी धीरे धीरे सामान इकट्ठा करूंगी। उधर कुछ चीजें रखी हुई है जो कि मैंने फ्रिज में रखनी है वापस से, और फ्रिज को बंद कर देते हैं और उसको चला भी देते हैं। और पता है क्या हुआ, मैं अपना ट्राईपोड लेकर गई थी यहाँ से और वहाँ से लाना मैं भूल गई, घर से मैं ट्राईपोड लाना भूल गई। और अब जैसे ही मैंने याद है ना मेरे को कि हाँ यार कहीं फ़ोन सेट करना है, तो एकदम से ओ माय गॉड ट्राईपोड तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अब लग रहा है या तो किसी से मंगाना पड़ेगा या फिर जब मैं खुद जाऊँगी घर तो तब मैं खुद ही लेकर आऊँगी। और अब बहुत देर हो गई है मेरे को इंतज़ार करते करते, तो ये वाला पार्सल भी ओपन कर देते हैं। टेंशन है, ओह वाओ ये इजीली हो रहा है, मैं इसको उल्टा खोल रही हूँ। माना फेस ऑयल, ग्लोइंग ऑयल है गाइस, ये फेस को ग्लोइंग करने के लिए। खुलेगा किधर से,
से खुशबू अच्छी आ रही है, इसका एक वीडियो बनाना है मुझे, तो वो बनाते रहेंगे। हाय गाइस, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। रात लगभग 11-12 बजे से बारिश हो रही है आई थिंक, तो अभी भी बारिश हो रही थी, अभी फ़िलहाल ही में बारिश रुकी है, जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे पास छाता नहीं है और केवल रेनकोट ही है, तो इसलिए। बाकी फर्स्ट डे है स्कूल का, थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी नर्वसनेस भी है, थोड़ा अजीब सा ही फील हो रहा है, मतलब मेरे को भी अजीब सा ही लग रहा है आज, बट कोई नहीं, मैं तैयार हो गई हूँ और चलते हैं स्कूल में। स्कूल का फर्स्ट डे और इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड, ये एक्चुअल में 2 दिन पहले मलबा आया था और इसमें एक मैक्स मतलब कि एक बड़ी टैक्सी फंस भी गई थी और जितने भी लोग टैक्सी में बैठे थे ना, सब टैक्सी के अंदर ना मलबे में दब गए थे, बट उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। आगे देखा मैंने, इतने सुंदर नज़ारे हो रखे थे, बादल बिल्कुल नीचे ही आ रखे थे, तो पहाड़ इस टाइम पे बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है गाइस, लेकिन उससे ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं। और रास्ते में स्कूल से आते टाइम हम लोगों ने ना, यहाँ पर एक सब्ज़ी होती है पहाड़ों में जिसको खुतड़े कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन रहता है, तो मैं उसी सब्ज़ी को ढूँढ रही थी। और ये जो दिख रहा है ना आपको, एक इसको ही खुतड़ा बोलते हैं और ये लिंगड़े की ही एक वैरायटी है गाइस। स्कूल से आने के बाद मैं 1-1.5 घंटा सो गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और उठ के एकदम से मेरे को मन ही नहीं लग रहा था रूम पे, तो मैंने सोचा कि जिम चलती हूँ। आज फर्स्ट डे था स्कूल का और फर्स्ट डे ही मतलब कोटद्वार का भी यही मान सकते हो, 1 जुलाई है आज, तो फर्स्ट डे ही है कोटद्वार का भी, तो आज ही मैं ज्वाइन कर रही हूँ जिम, और मेरे को जिम नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करना है और बॉडी शॉडी बनानी है बढ़िया वाली, तो इसलिए मैं जिम जा रही हूँ। स्कूल में थोड़ा सा मन लगा आज, इतना ज़्यादा नहीं लगा, बट ठीक था, एवरेज था। और रास्ते में जाते हुए तो मुझे बड़ी ही मतलब मौत सी आ रही थी, आलस टाइप का आ रहा था कि पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही थी यार, मतलब दिल वाली बातें हैं ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट ठीक था। रास्ते में बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड था, जो कि मैंने ऐसे कैप्चर भी किया, तो आप लोगों ने देखा होगा। और अभी चलते हैं गाइस जिम, और देख रहे हो मेरे को पसीना कितना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। पंखा मैंने बंद किया था ताकि आवाज़ ठीक ठाक आए, और ये पता नहीं क्यों मेरी विंडो खुली रह जाती है इसकी, अलमीरा की तो सारी चीज़ें दिख जाती है यार, कपड़े वपड़े। यार बारिश आ गई, जब मैं आई थी जब बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, बट अब बारिश आ गई है। इधर से स्कूटी निकालते हैं, ये देखो कितनी ज़्यादा गीली हो गई है। और फिर मैं अपने लिए छाता लेने के लिए जा रही हूँ आज, और एक क्या लेना है मेरे को, एक रेनकोट भी लेना है क्योंकि बारिश बहुत है। फोन अंदर ही रख देती हूँ, भीगना तो है ही मुझे। मुझे एक रेनकोट और छाता दिखा दो, रेनकोट मेरे को थोड़ा मंगवा रहा हूँ आपके लिए, रेनकोट मेरे लिए चाहिए।